सर्व आदिवासी समाज और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में 15 दिसंबर रविवार को कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा सलिहा पड़ाव में विशाल आदिवासी मूल निवासी अधिकार सम्मेलन और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह जी का बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी संस्कृति सभ्यता और आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार से संबंधित बिलों के संदर्भ पर सम्मेलन को संबोधित किया। उनके अलावा कार्यक्रम को योगेश्वर राज सिंह पूर्व विधायक कवर्धा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वीर नारायण सिंह जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण से की गई। इसके बाद एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर और अन्य अतिथियों का आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार स्वागत किया गया। विशाल आदिवासी मूल निवासी अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए धीमान विजय मानकर ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ माटी के सपूत शहीद वीर नारायण सिंह जी को नमन किया। इसके बाद आदिवासी संस्कृति और सभ्यता पर विशेष फोकस करते हुए महान गोंडवाना भूमि के संदर्भ को लेकर अपने विचार रखे। विजय मानकर ने कहा कि भारत की शुरुआत यह वैदिक संस्कृति से नहीं बल्कि आदिवासियों की संस्कृति से होती है। उन्होंने बताया कि आदिवासियों की सभ्यता यह सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी पुरानी है। आदिवासियों ने सबसे पहले गुफाओं में सभ्यता बनाई, जिसे केव सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद जंगलों और पर्वतीय इलाकों में अपनी सभ्यता का विस्तार किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत के आदिवासियों को आज भी मूल निवासी नहीं माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण भारत के संविधान में अबॉरिजिनल वर्ड का मिसिंग होना है। साथ ही ह्यूमन राइट्स के नहीं होने से भी इस देश के नागरिकों के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। विजय मानकर ने आदिवासियों को सही मायने में जल जमीन जंगल का मालिक बनाने के लिए कहा कि हमें संविधान में सकारात्मक संशोधन करना होगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने संविधान में संशोधन को लेकर 4 महत्वपूर्ण बिल बनाकर भारत की पार्लियामेंट को दिए हैं। लेकिन अब हम सबकी जवाबदारी है कि इन बिलों को पारित कराने के लिए एपीआई के विधायक और सांसदों को जिताए, साथ ही एपीआई की सरकार बनाए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आदिवासी मूल निवासी समाज के लोग विजय मानकर जी को सुनने सहसपुर लोहारा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के बाद व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके बताए मार्ग पर चलकर समाधानों की ओर बढ़ने आश्वस्त किया। आप सभी लोग जो है, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं जय सेवा जोहार करता हूँ। आप लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए, जय सेवा जोहार। आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया और अपने व्यस्त कार्यक्रम में झारखंड के चुनावों के बीच में, क्योंकि हमारा पार्टी झारखंड में भी चुनाव लड़ रहा है जिस तरह पहले छत्तीसगढ़ में लड़े थे, उसके बीच में मैंने ये बात सोचा कि मुझे आप लोगों के बीच आना चाहिए। आप लोगों के बीच आने के लिए कुछ कारण हैं। वो कारण यह है कि
जो हमारे देश के आदिवासी है, जो देश के मूल निवासी है, उनके लिए मैंने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ काम किए हैं। पूरे देश के जो आदिवासी है और देश के बाकी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ काम किए हैं। 10 तारीख को बलिदान दिवस है वीर नारायण सिंह जी का, शहीद वीर नारायण सिंह जी का। आप लोगों को 10 दिसंबर के विषय में और एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि 10 दिसंबर पूरे दुनिया में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में, केवल हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में 10 दिसंबर मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में हम भारत में मनाते हैं, उसी तरह 10 दिसंबर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं समझता हूँ क्योंकि आज 10 दिसंबर का ही संदर्भ है, भले ही ये कार्यक्रम हम 15 तारीख को कर रहे हैं, लेकिन 10 दिसंबर का ही संदर्भ है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित, आदिवासियों के, मूल निवासियों के जो अधिकार भारत के संविधान के अलावा जो दुनिया में आए और जिसको लाने की भारत में ज़रूरत है, इन चीज़ों के विषय में मैं आप लोगों को बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भारत के उन कोया लोगों के बीच में आज बोल रहा हूँ, उन कोया लोगों के बीच में मैं ये बात को बोल रहा हूँ। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, हिंदी तो आएगी ना, गोंडी में बोल नहीं पाऊँगा, हिंदी समझ लेंगे ना, पक्का हिंदी समझ लेंगे? कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी समझ लेंगे पक्का? तो मैं उन कोया लोगों के बीच में आया हूँ जिन्होंने सिंधु सभ्यता के लगभग 40-45 हज़ार साल पहले इस मध्य प्रदेश में, इस छत्तीसगढ़ में, इस झारखंड में, हमारे देश में, आंध्रा में, कर्नाटका में, भारत की इस भूमि में पहला इंसान, पहली सभ्यता बनाने वाला ये भारत के गोंड आदिवासी है, भारत के मुंडा आदिवासी है। ये बात जो है, इस बात की मुझे खुशी है कि हम वो पहले इंसान हैं जिसने 50 हज़ार साल पहले, आज से 50 हज़ार साल पहले, पहले केव्स में यानी गुफाओं में सभ्यता बनाई, फिर जंगलों में सभ्यता बनाई, उसके बाद नदी के किनारों शहरों की सभ्यता बनी, जो सिंधु सभ्यता की सभ्यता है वो हमारी सभ्यता के बाद में बनी। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत के इतिहास की शुरुआत ये वेदों से होती है, कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत के सभ्यता की इतिहास ये वेदों से होती है। मैं पहले से बोलते आया हूँ कि भारत के सभ्यता की इतिहास, संस्कृति की इतिहास ये वेदों से नहीं होती, ये शंभू शेख और कुपार लिंगों के उस महान कोया पुनेम से होती है, उस महान कोया पुनेम से होती है, उस महान त्रिमंद सुल सरी से होती है, जिस इंसान ने इस प्रकृति को सबसे पहले समझा कि ये प्रकृति है, इसकी शक्ति है। और 88 शंभू शेख हुए जिन्होंने हमें त्रिमंद सुल सरी का मार्ग दिया, और कुपार लिंगु हुए जिन्होंने हमें कोया पुनेम का जो है वो मार्ग दिया। मैं समझता हूँ कि ये प्रकृति का मार्ग है, ये विज्ञान का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है। और वो देने वाले ये देश में पहले वेदों को मानने वाले लोग नहीं, ये इस देश के आदिवासी है, ये इस देश के महान आदिवासी है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, इस बात को मैं बार बार बोलते आया हूँ देश में। और इसलिए मैं ये कहते आया हूँ कि जो बात भारत के अंदर लोगों ने कही, मेरा भारत के, पूरे भारत के लोगों को मैंने चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि भारत के कुछ ब्राह्मणिकल मानसिकता के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणिकल ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो ये कहा करते थे कि जो जंगल में है उनको समझ नहीं है,
ऐसे वो लोग कहा करते थे कि जो जंगल में है उनको समझ नहीं है, वो तो गिरिजन है, ऐसे वो लोग कहा करते थे। तो जब मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, तो मैंने उनको कहा कि समझ किसको है, इसकी डिग्री अगर चेक करना है तो आप जाकर कुछ डिग्रियों को चेक करो, कुछ बातों को चेक करो, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, 17 गोल्स बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि ये धरती कैसे बच सकती है, इसका पर्यावरण कैसे ठीक रह सकता है। दुनिया में सबसे पहले पर्यावरण के साथ इंसान को कैसे जीना चाहिए, उसका क्या समतोल होना चाहिए, क्या सहजीवन होना चाहिए, पर्यावरण के साथ इंसान कैसे जी सकता है, ये बताने वाला पहला इंसान ये भारत का नहीं पूरे दुनिया का आदिवासी है। ये आदिवासी यानी आदिवासी इज द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया को पर्यावरणवाद सिखाने वाला ये पहला इंसान ये आदिवासी है। ये शहरों के लोग नहीं, ये वेदों के लोग नहीं, ये जंगल के लोग हैं, ये गुफाओं के लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पर्यावरणवाद को सिखाया। ये पहली बात है जिसे समझने की जरूरत है। दूसरा, लोग कहते हैं आज भी बड़ी बात आती है स्त्री पुरुष समानता की बात आती है। स्त्री पुरुष समानता पूरे दुनिया में ये रिसर्च हुआ कि सबसे अच्छे महिलाओं का सम्मान, सबसे अच्छे महिलाओं की जगह कहाँ, कौन से समाज में थी, ये पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ। और ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष दोनों को कोया कोया तुरी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का समान जो संबंध है, जो सम्मान है और जगह है, वो दुनिया में शहरों में रहने वाले लोगों ने नहीं, वर्ण और जाति में रहने वाले लोगों ने नहीं, वो देश और दुनिया के आदिवासी समाज ने जो है वो महिलाओं को वो सम्मान दिया, वो जगह दी, जहां आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की भाषा में, अगर मैं कहूं तो। तीसरी बात समाजवाद की होती है, सोशलिज्म, कि भाई संपत्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, संपत्ति ये सब लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसा पहला समाज दुनिया में जिसने संपत्ति को समान रूप से एक गणन में, ट्राइबल में, गोटुल व्यवस्था में यदि किसी ने उसको रखा तो वो दुनिया का आदिवासी समाज है, देश का आदिवासी समाज है। यानी दुनिया को पर्यावरणवाद पढ़ाने वाला आदिवासी है, दुनिया को जेंडर इक्वालिटी पढ़ाने वाला आदिवासी है, दुनिया को समाजवाद यानी आर्थिक समानता को पढ़ाने वाला ये आदिवासी है, और पूरे दुनिया को मानवता पढ़ाने वाला भी आदिवासी है। आज भी जंगल के अंदर में आपको क्राइम नहीं मिलेगा, आपको महिलाओं के साथ गलत चीजें नहीं मिलेगी। आज भी डेटा ये कहता है कि आदिवासी समाज में गलत चीजों का प्रमाण बहुत ज्यादा कम है। ये बात और है कि कुछ धीकू, कौन धीकू, जो जंगल में चले गए बाहर से, जो जल जमीन जंगल को लूटना चाहते हैं, जो आदिवासियों की संस्कृति को, आदिवासियों की सभ्यता को छीनना चाहते हैं, उसको गैर आदिवासी बनाना चाहते हैं। ये एक षड्यंत्र पूरे देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस बात को आदिवासियों को, देश के आदिवासियों को समझने की जरूरत है। दो चीजें हैं जिसके वजह से पूरे भारत में आदिवासियों को उनके जल जमीन जंगल से विस्थापित करने की जो है वो कोशिश हो रही है ऑल ओवर द कंट्री। क्या कारण है, क्यों आदिवासियों को मारा जा रहा है, जंगलों में उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, उस जमीन के एवज में उनको कोई और चीज नहीं दी जा रही है, और उनको कहा जा रहा है कि भाई आप गलत काम करते हो इसलिए आपके ऊपर हम केसेस लगाते हैं, या आपके ऊपर में जो है हम किसी तरह का जो है वो गोली चलाते हैं। दो चीजें हैं जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। एक, इस भारत के अंदर ये बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे,
हमारे देश के अंदर दुनिया में किसी भी एक कंट्री में किसी भी एक देश में सबसे ज्यादा आदिवासी परसेंटेज अगर दुनिया के 30% आदिवासी कहीं रहते हो तो 30% आदिवासी ये भारत में रहते हैं। 30% दुनिया के टोटल आदिवासी ये भारत में रहते हैं। जो आबादी 8.6% से ज़्यादा भी हो रही है, जो जनगणना आएगी, जनगणना में हम लोगों की जनसंख्या गिनी जाएगी 2021 में फरवरी मार्च महीने में, उस समय में हम लोगों को अपने संस्कृति के कॉलम में क्या लिखना है ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जिसके विषय में मैं हो सकता है थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँगा। जो 8.6% से ज़्यादा पूरे भारत की आबादी के आदिवासी हैं, देश में पूरे दुनिया के लगभग 30% आदिवासी ये हमारे देश में अकेले भारत में रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत की जितनी नेचुरल संपदा है, नेचुरल संपदा में पर्टिकुलरली जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स है, चाहे लोहा हो, टंगस्टन हो, यूरेनियम हो, गोल्ड हो, प्लूटोनियम हो, थोरियम हो, जितने भी तरह के मिनरल्स जो खनिज संपदा देश में है, जो नेचुरल संपदा देश में है, उसका 70% ये आदिवासियों के जमीन के नीचे है, उसका 70% ये आदिवासियों के जमीन के नीचे में है। यानी पैसे के टर्म्स में यदि मैं बात करूं, यदि भारत की नेचुरल संपदा के पैसे के कैलकुलेशन में यदि मैं बात करूं, तो आदिवासियों के जमीन के नीचे, ध्यान से सुनिए, आदिवासियों के जमीन के नीचे 1,000,00,000,000,000 रुपये की संपत्ति है। 1,000,00,000,000,000 रुपये की संपत्ति है। आज हमारे देश में कितना पैसा है? आज केवल 204 लाख करोड़, केवल 204 लाख करोड़, और मोदी जी के वजह से 20 लाख करोड़ चले गया देश में। मोदी जी के वजह से कितना चले गया? 20 लाख करोड़ चले गया। आज वो मंच नहीं है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। मोदी जी के लिए बहुत मंच है, मैं उनका बहुत क्लास लेता हूँ देश में, और बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं मुझे देश में, जो है आज तक एक भी आदमी मुझे चैलेंज नहीं किया बीजेपी का जो है, तो इसलिए जो है उनको आज छोड़ देता हूँ। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का दिन है, इसलिए छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया, आपको माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? मैंने माफ किया, लेकिन आदिवासी आपको माफ नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। आदिवासी क्यों माफ नहीं करेगा ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये कहते हैं कि 1,000,00,000,000 रुपए की जो संपत्ति है वो हम देंगे अंबानी और अडानी को, टाटा को और मित्तल को। जो संपत्ति का मालिक, जो जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी है, जिस संपत्ति पर, जिस जल जमीन जंगल पर पहला अधिकार ये आदिवासियों का है, ये गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों का नाम ले रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इन लोगों की ये मंशा है कि ये 1,000,00,000 करोड़ की संपत्ति ये पूरी अंबानी और अडानी को, टाटा और मित्तल को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और यही कारण है कि जंगलों में 5वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है, पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 13,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में पड़ा हुआ है, जिसका खर्चा आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है। क्या कारण है, क्यों ये सारी चीजें देश में हो रही है? उसका कारण है कि एक 1,000,00,000 करोड़ की संपत्ति इसका कारण है। दूसरा कारण है कि भारत में जो गवर्नमेंट है, जिन लोगों की गवर्नमेंट है, उन लोगों का ये मानना है कि हमारी वैदिक संस्कृति से, हिंदुत्ववाद से ही भारत जो है वो बड़ा हो सकता है।
ऐसा भारत की अभी की जो सरकार और संस्थाएं हैं उनका ये मानना है कि हिंदुत्ववाद से ही भारत बड़ा हो सकता है, इसलिए धर्म के आधार पर हम नागरिकता को देंगे या नागरिकता को नकारेंगे। ये विचार हमने देखा कि पार्लियामेंट में अभी अभी जो है वो बिल पास किया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और उसके आधार से ये काम जो है बीजेपी के गवर्नमेंट ने किया। आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति ये लिविंग एविडेंस है, ये लिविंग रिकॉर्ड है। किस चीज का लिविंग एविडेंस है, लिविंग रिकॉर्ड है? इस चीज का लिविंग एविडेंस और लिविंग रिकॉर्ड है कि भारत की सभ्यता ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से शुरू नहीं होती, वो पिनकमढ़ी से शुरू होती है, वो कचारगढ़ से शुरू होती है। इसका पिनकमढ़ी से, कचारगढ़ से इसकी सभ्यता शुरू होती है, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बगोर, आदमगढ़, भीमबेटका, कुर्नूल केव्स, कुर्नूल केव्स आंध्रा, देन आपके राजस्थान में जाए तो डिडवाना, बिहार में जाए तो पैसारा, छावपानी मांडो, उत्तर प्रदेश के अंदर में आप पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड में आपको कितने स्पॉट्स में बता दूं, या आप चले जाइए तमिलनाडु के अंदर में आते तो अतिरापक्कम, ये सारी, या हुसुंगी कर्नाटका, ये जितने साइट्स है, ये जितने स्पॉट है, ये इस बात को चीख चीख कर बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि भारत की पहली सभ्यता ये सिंधु घाटी से नहीं बनी, ये आदिवासियों ने बनाई, और वो जंगलों के अंदर बनाई, पहाड़ों में बनाई, ये उसके प्रमाण है। ये हिंदुत्ववादी लोग, ये हिंदुत्ववादी लोग, आरएसएस, बीजेपी के लोग, ये आदिवासियों की सभ्यता को समाप्त करना चाहते हैं, और इसलिए झारखंड में झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया शायद आपने गौर नहीं किया, क्योंकि चुनाव झारखंड में हो रहा है, शायद आपको, आपने गौर नहीं किया, लेकिन मैं झारखंड से अभी अभी आ रहा हूं, इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। यही छत्तीसगढ़ से झारखंड में जाकर चीफ मिनिस्टर बने रघुवर दास जी ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि मैं झारखंड को आदिवासी मुक्त बना दूंगा। ये बात कही रघुवर दास जी ने, झारखंड के सीएम ने। तो मैं झारखंड में गया और मैंने रघुवर दास जी से ये कहा कि रघुवर दास जी, अच्छा हुआ आपकी दिल की बात जुबा पर आ गई, अच्छा हुआ आपकी बात दिल की बात जुबा पे आ गई, आप झारखंड को या बीजेपी भारत को आदिवासी मुक्त बनाना चाहती है, जैसे मुसलमानों को आज आपने नागरिकता नकारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में, वैसे आप भारत को आदिवासी मुक्त बनाना चाहते हो, अच्छा है आपकी दिल की बात जुबा पे आ गई, यदि आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया होगा, किसको, बीजेपी के लोगों को, यदि आपको आपके माँ ने दूध पिलाया होगा, तो आप एक कदम भारत को, छत्तीसगढ़ को या झारखंड को आदिवासी मुक्त बनाने का कदम उठाओ, और मैं पूरे भारत को, झारखंड और छत्तीसगढ़ को बीजेपी आरएसएस मुक्त बना दूंगा, ये मैंने जो है वो चैलेंज किया। अरे आप क्या आदिवासी को हटाओगे? आदिवासी को हटाते हटाते तो अंग्रेज लोगों को भी 1820 में कोलान में आदिवासी के राजाओं से जो है वो संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी, अंग्रेज लोग भी सरेंडर हो गए, आर्य लोग भी सरेंडर हो गए, तुम्हारे राजे महाराजे भी सरेंडर हो गए। अरे जो प्रकृति में पैदा हुआ है उसको आपका भगवान भी हटा नहीं सकता, उसको जो है आपका भगवान भी हटा नहीं सकता, इसलिए जो है ये फालतू की बात मत करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग मुझे बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सर हमारा जल, जमीन, जंगल कैसे बचेगा, हम इसके मालिक कैसे बनेंगे? ये सवाल बार बार जो है मुझे लोग पूछते हैं, और क्योंकि भारत का सबसे पढ़ा लिखा लीडर होने के नाते आज भारत की सबसे अच्छी लाइब्रेरी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के घर में नहीं, वो विजय मानकर के घर में वास करती है, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और इसलिए
ये जो सवाल बार बार मुझे पूछा कि सर जल जमीन जंगल हमारा कैसे बनेगा बचेगा, हम इसके मालिक तो है लेकिन थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में अभी तक हम मालिक नहीं हुए। तो ये सवाल बार बार जो है देश के आदिवासी मुझे पूछते रहे, तो हमें एक बात को समझना होगा। किस बात को समझना होगा? हमें इस बात को समझना होगा कि आज हम मानव अधिकारों के युग में जी रहे हैं, आज हम मानव अधिकारों के युग में जी रहे हैं और मानव अधिकार और संविधान के युग में हम जी रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम मानव अधिकार और संविधान को नहीं समझेंगे और इस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक के हम जल जमीन जंगल और अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ। किस बात को बताना जरूरी समझता हूँ? कि भारत का संविधान ये अच्छा है, भारत का संविधान ये अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान पर्याप्त नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स और इंडिजिनियस राइट्स यानी आदिवासियों के अधिकार और सभी भारतीयों के मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत का संविधान अच्छा है लेकिन भारत का संविधान परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसको आपको अच्छे से समझना होगा और ये बात आपको आज तक किसी लीडर ने नहीं बताई होगी, वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और गांव का भी आदमी है, वो भी इस बात को समझ सकता है। क्योंकि आप लोकतंत्र में वोट देते हो, आप नागरिक हो, आप एमपी एमएलए को चुनते हो, आप पंचायत के मेंबर्स को चुनते हो, इसलिए मेरे लिहाज से आपको इस बात की समझ है कि क्या करने की जरूरत है। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ जो करने से देश का आदिवासी या इस देश का मालिक बनेगा। भारत के संविधान में हमें क्यों, भारत का संविधान अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? एक कि भारत के संविधान में एबोरिजिनल वर्ड नहीं है। एबोरिजिनल ट्राइब्स या इंडिजिनियस पीपल ये शब्द भारत के संविधान में नहीं है। झारखंड के एक आदिवासी के लीडर थे, उनका नाम जयपाल सिंह जी था। ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स करके वो पढ़े थे। भारत के हॉकी टीम का पहला गोल्ड मेडल ये उनके कप्तानी में मिला। बाद में इंग्लैंड से वो वापस आए, पहले झारखंड से इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड से वापस आए और उन्होंने भारत के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम करने का निश्चय किया। वो चुनकर संविधान सभा में गए और जयपाल सिंह जी का ऐसा कहना था कि भारत के संविधान में जो 342 कलम है या 366-24 ये जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 342, आर्टिकल 366-24, इसमें भारत के जो ट्राइब्स हैं, अभी जो शेड्यूल ट्राइब लिखा गया है, उन्हें एबोरिजिनल ट्राइब्स लिखा जाना चाहिए, उन्हें हिंदी में आदिवासी लिखा जाना चाहिए। ये बात जो है वो जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में स्पष्ट तौर पर कही थी। मैं आपको दो भारत के बाहर का उल्लेख दूंगा, दो भारत का उल्लेख दूंगा। भारत के संविधान के बाहर, भारत का संविधान बनने के पहले रॉयल प्रोक्लेमेशन कनाडा 1763 एंड ट्रीटी ऑफ वेटांगी 1840 न्यूजीलैंड, जो दोनों ही देश अंग्रेजों के शासन के अंदर थे भारत के साथ साथ, वहां के संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। दोनों संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा।
भारत के अंदर यदि आप हटन का 1931 का सेंसस उठाकर देखते हैं तो वहां पर आपको एबोरिजिनल वर्ड मिलेगा, बैकवर्ड ट्राइब्स ये वर्ड मिलेगा। 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जो आज शेड्यूल्ड एरिया बना है वो भारत के संविधान बनने के समय नहीं बना, वो 1874 में उसको बनने की शुरुआत हुई, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसको और ज़्यादा मजबूत किया गया। भारत के दो कानून हैं, जिस कानून में आदिवासियों को एबोरिजिनल बोला गया था, कौन से दो कानून हैं? द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियलिटी एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947, फिर पढ़ रहा हूँ, द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियलिटी एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। भारत के संविधान बनने के पहले एक साल पहले लगभग इस कानून में भारत के आदिवासियों को मूल निवासी यानी एबोरिजिनल बोला गया था। जिस दिसंबर 1948 में, 2 दिसंबर 1948 को जब संविधान सभा के अंदर एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उस पर मैं बोल चुका हूँ, आज मैं नहीं बोलूँगा क्यों मना किया, किसने मना किया, ये आप लोग स्वयं ढूंढ सकते हैं। लेकिन 2 दिसंबर 1948 को जब एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उसके 4 महीने बाद अप्रैल 1949 को संताल परागनास टेनेंसी एक्ट 1949 के सेक्शन 4 में फिर भारत के आदिवासियों को मूल निवासी अर्थात एबोरिजिनल लिखा गया। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है, यानी भारत के बाहर कनाडा और न्यूजीलैंड दो संविधान में आदिवासियों को अंग्रेज सरकार ने एबोरिजिनल यानी मूल निवासी लिखा। भारत के संविधान में जब इसे नकारा गया, उसके एक साल पहले रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल जो एक्ट है उसके अंदर आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। जब संविधान में इसको नकारा गया, उसके 4 महीने बाद भी संताल परागना टेनेंसी एक्ट में आदिवासियों को मूल निवासी माना गया, लेकिन भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। क्या लिखा गया? शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। अब जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है और कुछ नहीं होता है। शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ट्राइब्स का अर्थ तो आप जानते हैं, जो समूह एक संस्कृति से बंधा है और जो एक जमीन में रहता है वो ट्राइब है। लेकिन ऐसे ट्राइब केवल सूची में डाले गए, लेकिन जो ट्राइब इस भारत के सबसे पहले रहने वाले लोग थे उनको भारत की संविधान सभा में एबोरिजिनल लिखने से मना किया। किसने मना किया, आज मैं इस बात पर नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं इस बात को ढूंढ सकते हो। अब मजे की बात देखिए, जो कभी जाति रहे ही नहीं, जो कभी जाति में रहे ही नहीं, वर्ण और जाति में रहे ही नहीं, ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। जो कभी जाति रहे ही नहीं उनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप गंभीरता से सोचिए इस बात को, जो कभी जाति रहे ही नहीं उन्हें अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जो जाति रहे उनके लिए तो ठीक है, कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन जो कभी जाति रहे नहीं उनको जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यदि इंग्लिश का आर्टिकल 342 यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी यह वह शब्द मिलेगा,
ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज ये आपको शब्द मिलेगा। जो जाति थे ही नहीं उनको जाति बनाने का काम देश के संविधान के तहत, देश के कानून के तहत किया जा रहा है। इसलिए झारखंड में मैंने ये बात कहा कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है, यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो हम अनुसूचित जनजाति के जगह मूल निवासियों का सर्टिफिकेट आदिवासियों को देंगे, कानून बनाकर देंगे बगैर कानून के नहीं, संविधान में कानून बनाकर भारत के तमाम आदिवासियों को हम जो है वो एबोरिजिनल ट्राइब्स सर्टिफिकेट ये देंगे। ये बात मैंने अपने नीति में एक्सेप्ट किया और ये बात मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं। एक बात, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने क्या माना, संयुक्त राष्ट्र पूरे दुनिया में आईएलओ कन्वेंशन 107 1957, आईएलओ कन्वेंशन 169 1989, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007। मैंने कुछ बातें आप लोगों को गंभीरता से कही, तीन कानून के नाम लिए। क्या कानून के नाम है? आईएलओ कन्वेंशन 107, आईएलओ कन्वेंशन 169 और संयुक्त राष्ट्र का 2007 का डिक्लेरेशन। क्या कहता है ये तीनों कानून मानव अधिकारों के, जो कानून है इंडिजिनियस राइट्स के, क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के कानून? संयुक्त राष्ट्र के कानून ये कहते हैं, पर्टिकुलरली 169 और 207 का कानून ये कहता है कि पांच चीजें हैं, लैंड टेरिटरीज रिसोर्सेस कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी जमीन, टेरिटरी, रिसोर्सेस यानी संपदा, कल्चर यानी संस्कृति एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी आदिवासी खुद को क्या कहना चाहता है। ये पांच अधिकार ये यूएन ने माने और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ बना। दुनिया के कितने संविधानों में मूल निवासियों के इंडिजिनियस राइट्स है? मैं आपको उन संविधानों का नाम बताता हूं, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये देशों के अंदर आदिवासियों के, मूल निवासियों के इंडिजिनियस राइट्स है, इंडिजिनियस राइट्स है। लेकिन हमारे देश के संविधान में जो पांचवी अनुसूची है आप देखिए, उसमें आदिवासियों को जमीन के नीचे के संपत्ति का अधिकार नहीं है। मैं गंभीर बात बोल रहा हूं, आदिवासियों के जमीन के नीचे के संपत्ति के अधिकार, जिसको सब सरफेस राइट्स बोला जाता है, वो आदिवासियों को नहीं है। हमारे संविधान बनने के बाद यह है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा क्योंकि संविधान बनते तक ये नहीं थे, लेकिन वो अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। तो इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। क्या रास्ता निकाला है? रास्ता ये निकाला है कि यदि आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल का मालिक बनाना है, यदि इंडिजिनियस पीपल को, इफ एट ऑल वी वांट टू मेक द एबोरिजिनल ट्राइब्स एज द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया एंड गारंटी देम द सबसरफेस राइट्स एंड द सरफेस राइट्स इन इंडिया, तो इसके लिए एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? भारत के संविधान में हमें सकारात्मक पॉजिटिव संशोधन लाना होगा, सकारात्मक संशोधन पॉजिटिव अमेंडमेंट लाना होगा, एक काम। दूसरा, भारत के तमाम लोगों के लिए जो हमारे संविधान में मानव अधिकार वर्ड भी नहीं है, तो मानव अधिकारों को हमारे देश के संविधान में लाना होगा। ये बात
मैं केवल कह नहीं रहा हूं, ये काम की शुरुआत मैंने ऑलरेडी कर दी है। कैसे शुरुआत की है? ये वो चार बिल है जो मैंने भारत के संविधानिक इतिहास में पहली बार कोई लीडर ने भारत की संसद को चार बिल बनाकर दिए हैं कि भारत के संविधान में आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाया जाए, भारत के लोगों के ह्यूमन राइट्स को लाया जाए। ये चार बिल मैंने जो है वो बनाकर दिए हैं। यदि ये बिल संसद में पारित हो जाते हैं, यदि ये बिल संसद में पारित हो जाते हैं, तो मेरी बात याद में रखिएगा, मैं दो बातें बोल रहा हूं। क्या बात बोल रहा हूं? एक बात बोल रहा हूं कि भारत के लोगों के साथ जो गरीबी है, पिछड़ापन है, जो भेदभाव है, आज हमारा देश पीछे जा रहा है। आज हम एक गंभीर मोड़ पर खड़े हैं। आप इस बात पर गंभीरता से ध्यान दीजिए, चीन और भारत दोनों एक समय में आजाद हुए। चीन और भारत की आबादी लगभग एक जैसी है, लेकिन चीन का जीडीपी 13 ट्रिलियन डॉलर्स है, 13 ट्रिलियन डॉलर्स है। भारत का जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन डॉलर नहीं हुआ है, 3 ट्रिलियन डॉलर अगले साल होगा, और मोदी जी हमको 5 ट्रिलियन डॉलर का हसीन सपना दिखा रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया कि नहीं दिखाया? ट्रिलियन डॉलर्स, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लीजिए, चाइना ने 40 साल में 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 85 करोड़ लोगों को चाइना ने, हम लोग 30 करोड़ लोगों को भी गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। हमारी और चाइना की आबादी एक जैसी होने के बावजूद चाइना में 77 करोड़ लोगों को रोजगार है, भारत में 51 करोड़ लोगों को रोजगार होना चाहिए, आज 41-42 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं। और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर और आंखों में देखकर कि लोगों ने कहा, सर छत्तीसगढ़ में 6 बजे तक तो आपको माहौल ठीक दिखेगा, लेकिन 6 बजे में अंधेरा होते से ही माहौल बदल जाता है। मैंने पूछा, यार कैसे माहौल बदलता है? वो कहे, सर हो सकता मुझे बताने वालों ने सही गलत बताया होगा, मैंने थोड़ा देखा आंखों से, उन्होंने बताया 6 बजे अंधेरा होने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ शराब में डूबता है, ये बात कहा। क्या मैं कह रहा हूं सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? आप बताओ महिलाएं लोग, सही है या गलत है? अगर पूरा छत्तीसगढ़ 6 बजे के बाद यदि शराब में डूबेगा, तो पहले रमन सिंह 15 साल राज कर लिया, अब भूपेश बघेल जो है वो 20 साल राज करेगा। मेरी बात को ध्यान में रखो आप, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? आप सोचो, क्या यह सही है, क्या यह गलत है? लोग कहते हैं, सर छत्तीसगढ़ में काम नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा का यह हाल है कि छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाता है तो उसको ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता, हॉस्पिटल की हालत बुरी है, यह छत्तीसगढ़ का हाल है। लोगों ने यह बात मुझे कही, जंगल में आदिवासियों को गोली मार दी जा रही है, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अगर ये तमाम चीजों को समाप्त करना है तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। अब 5वीं अनुसूची है, गवर्नर उसका इंचार्ज है, लेकिन ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष आदिवासी होगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। गवर्नर, जब सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर में 2018 में, शायद 17 है या 18 है, बहुत बड़ा 1 लाख लोगों का, जब आदिवासी समाज के लोग रायपुर में आए थे, मैं वहां पर भी था, मुझे वहां गेस्ट करके बुलाया था,
उसके बाद जब हमारे डेलीगेट लोग रिप्रेजेंटेशन लेकर निवेदन लेकर गवर्नर के पास गए, तो गवर्नर महोदय को पहले से नोटिस देने के बावजूद गवर्नर छत्तीसगढ़ से एब्सेंट थे छुट्टी पर। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही है ना। रायपुर की रैली की बात कर रहा हूं। पांचवी अनुसूची का लागू करने का राइट गवर्नर को है, लेकिन हमें गवर्नर को हटाने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में गवर्नर ने रात को राष्ट्रपति शासन हटाया, रात को राष्ट्रपति जी को उठा के कैबिनेट ने साइन कराई, सुबह फडणवीस की और अजीत पवार की शपथ विधि हुई, रातों रात संविधान को ताक पे रखकर गैर संवैधानिक काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा परसों बहुमत सिद्ध करो, लेकिन गवर्नर को एक भी बात नहीं कही, गवर्नर के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। गंभीर बातें, ये बातों को मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरा ये बिल यदि लागू हो जाए तो भारत की संसद और विधानसभा को, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को यह अधिकार होगा कि वो गवर्नर के खिलाफ कंप्लेंट करे, जांच करे, और विधानसभा में वोटिंग होती है तो आदिवासियों के कंप्लेंट के आधार पे गवर्नर को हटाया जा सकेगा, गवर्नर को हटाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री को भी हटाने का प्रोविजन मैंने इस ह्यूमन राइट्स के बिल में लाया है, और अगर कोई भेदभाव करता है, वायलेशन करता है, एट्रोसिटी करता है, तो केवल करने वालों को जेल नहीं होगी, उसके प्रॉपर्टी से संपत्ति रिकवर करके जिसके साथ भेदभाव हुआ उसको दिया जाएगा। ये लॉ ऑफ रिपेरेशन जो है वो लाने का प्रोविजन मैंने इस बिल के अंदर किया है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि ये बिल बहुत बड़े हैं, आपको शायद डिटेल बताऊं तो आपको बोर हो जाएगा, आज का माहौल अलग है। दो ही बातें बताता हूं, आप ध्यान में रखिए, सिर्फ दो बातों से समझ जाइए ये बिल कितने पावरफुल है। आज तक भारत के संविधान में ऐसा संशोधन किसी ने नहीं किया। यदि ये बिल भारत के संसद में पास हो जाते हैं, जिसको कराने के लिए अब मैंने बीड़ा उठा लिया है कि मैं आने वाला 20 साल ये भारत की राजनीति को उलट पुलट कर दूंगा, लेकिन भारत के आदिवासियों के लिए, भारत के लोगों के लिए ये अधिकारों को मैं संविधान में लाऊंगा, ये बीड़ा मैंने अभी अपने ऊपर उठाया हुआ है। दो ही चीजें याद रखिए, एक, यदि भारत के किसी भी व्यक्ति का साथ भेदभाव हुआ, उसके अधिकारों को हनन किया गया, तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट को ही नहीं, अगर कोई कंपनी या व्यक्तिगत व्यक्ति भी करता है तो उसकी भरपाई उस व्यक्तिगत व्यक्ति या कंपनी को भी देनी पड़ेगी। ऐसा प्रोविजन मैंने मानव अधिकारों के बिल में लाया है। आज आपको जमीन का अधिकार नहीं, घर का अधिकार नहीं, रोजगार का अधिकार नहीं, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये अधिकार नहीं है। ये तमाम अधिकारों को, भारत के तमाम लोगों के लिए ये अधिकार मैंने ये ह्यूमन राइट्स के बिल में लाया हुआ है। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो सब भारत के लोगों को ये अधिकार मिलेंगे। आज भारत का सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी सम्मान करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा, धर्म के आधार पर राम मंदिर का निर्णय दिया, धर्म के आधार पर दिया, कश्मीर को बंद किया, मूलभूत अधिकार वायलेट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनकी केस को अटेंड नहीं किया। आज पार्लियामेंट दो दिन में बिल बनाता है, तीसरे दिन राष्ट्रपति साइन करते हैं, कोर्ट में जाता है, कोर्ट किसी भी तरह का निर्णय देता है। यदि मेरे ये बिल लागू होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर ही निर्णय देना पड़ेगा। इस तरह का बाइंडिंग मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर में भी ला रहा हूं, इस तरह का बाइंडिंग मैं सुप्रीम कोर्ट पर ला रहा हूं। संसद मानव अधिकारों को ध्यान में रखे बगैर कानून नहीं बना पाएगी, इस तरह का प्रोविजन ये बिलों के अंदर होगा। और यदि आदिवासियों के जो दो बिल है वो लागू हो जाते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस देश का सबसे अमीर इंसान
उसके बाद ये अंबानी नहीं होगा, भारत का सबसे अमीर इंसान ये आदिवासी होगा, ये आदिवासी होगा, ये आदिवासी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे ये बिल में मैंने प्रोविजन किया है। क्या प्रोविजन किया है? कि आदिवासियों की शेड्यूल्ड एरिया की जमीन यदि सरकार को लेना है या किसी कंपनी को लेना है तो वो बगैर ग्राम सभा के सम्मति के ले नहीं पाएगी। वो जमीन देना है या जमीन नहीं देना है इसका अधिकार केवल ग्राम सभा को होगा, सरकार को ये अधिकार नहीं होगा, कंपनियों का अधिकार नहीं होगा। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, यदि आदिवासियों की ग्राम सभा ये कहती है कि हमारी जमीन लीजिए तो केवल जमीन के एवज में जमीन नहीं, 2-4 लाख का मुआवजा नहीं, उस कंपनी में लेबर की नौकरी नहीं, उस कंपनी में और सरकार के उस प्रोजेक्ट में कम से कम 20-25% का शेयर होल्डर ये वो आदिवासी होगा, शेयर होल्डर आदिवासी होगा। यानी कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि लगभग 100 करोड़ रुपए का शेयर होल्डर ये वहां के आदिवासी होंगे। यानी आदिवासी जो जल जमीन जंगल का मालिक है वो अपनी जमीन यदि ग्राम सभा से देता है उसके बाद वो कंपनी का भी मालिक होगा। ये काम भारत में करने के लिए मैंने संसद को ऑलरेडी 2 बिल दे दिए हैं। अब 24 में मैं संसद जाना चाहता हूं, चुनाव जीतकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आप बताइए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर भारत का सबसे विद्वान नेता संसद चले गया तो मेरी एक ही बात ध्यान में रख लो, नरेंद्र मोदी तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, राहुल गांधी रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इन सबको मैं डेली कर्मा डांस कराऊंगा, इनको मैं डेली कर्मा डांस कराऊंगा। जो बात आज तक भारत के संविधान में नहीं हुई, भारत के कानून में नहीं हुई, वो काम करने के लिए और भारत को दुनिया में आगे ले जाने के लिए, भारत को ये भारत नहीं हिंदुस्तान नहीं मोदवेड़ची गोंडवाना बनाने के लिए, मोदवेड़ची गोंडवाना, मोदवेड़ची का अर्थ आप जानते हो, शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, एनलाइटेंड, जिसको नॉलेज आ गया समझ आ गई वो मोदवेड़ची, मोदवेड़ची गोंडवाना। और ये भारत नहीं है, भारत नाम बाद में आया, ठीक है हमारे संविधान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भारत भूमि नहीं, ये गोंडवाना लैंड था, ये कोयामुरी द्वीप था, ये सिंगार द्वीप था। मैं भारत को नया नाम दे रहा हूं, आज से भारत को मैं गोंडवाना लैंड ये नाम दे रहा हूं, भारत का नाम जो है वो गोंडवाना लैंड होगा। आपको मजा नहीं आ रहा गोंडवाना लैंड सुन के? आया या नहीं आया? अरे गोंडवाना को गोंडवाना का मजा नहीं आ रहा है क्या? भारत के नाम संविधान में जो भी हो लेकिन भारत में हर किसी ने भारत को क्या नाम से बोलना चाहिए, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? जम से बोलो, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो इसलिए भारत को गोंडवाना लैंड बनाना है, मोदवेड़ची गोंडवाना लैंड बनाना है। इस काम को करने के लिए मैं संसद जाना चाहता हूं। संसद जाना इसलिए जरूरी है, पहले शंभू शेख जी और कुपार लिंगो जी ने गुफाओं में रहकर हमें ज्ञान दिया, अब गुफाओं में रहकर तो ज्ञान आ सकता है अलग बात है, लेकिन वो ज्ञान संसद और विधानसभाओं से और सरकारों से आने का समय आया है। तो इसलिए संसद जाना जरूरी है, उस काम को करने के लिए हम देश में तैयारी कर रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन कामों में जो है मेरा सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आप बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं और युवा लोग भी हैं, और योगेश्वर राज सिंह जी विशेष रूप से आए, मुझे उन्होंने प्यार से बात की, मेरी कुछ उनसे बहुत सारी बातें हुई, मुझे खुशी हुई कि यहाँ का जो सर्व आदिवासी समाज है कवर्धा जिले का, उन्होंने आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप लोगों के बीच आते रहूँगा, और यदि आप लोगों ने सोच लिया तो ये काम होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको समय समय पर इस पर बात करते रहूँगा। अपनी बात को
मैं यही समाप्त करने के पहले सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि कोयापुनेम का मार्ग ये प्रकृति का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है, और मेरे लिहाज से वो विज्ञान का मार्ग भी है। क्यों विज्ञान का मार्ग है? सल्ला घाघरा फड़ाफेन फरसाफेन, पेन या फेन गोंडी में इसका अर्थ होता है एनर्जी। एनर्जी जिसको साइंस में एनर्जी कहता है, ये पूरी जो सृष्टि है, कॉस्मोस है, ये सिर्फ एनर्जी से बनी है। इस बात को समझने वाला ये आदिवासी था जिसने फड़ाफेन फरसाफेन सल्ला घाघरा यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, दो तरह का एनर्जी है कॉस्मोस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोयापुनेम का मार्ग, त्रिमंदसल सरी का मार्ग, ये जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल, वो त्रिशूल त्रिमंदसूल सरी का संकेत है, माइंड मैटर एंड बॉडी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइंड यानी मन, मैटर यानी पदार्थ, और बॉडी और फड़ाफेन का मतलब सुप्रीम एनर्जी, कॉस्मोस की ऊर्जा है। इसलिए मेरे लिहाज से कोयापुनेम का मार्ग ये प्रकृति का मार्ग है, ये मानवता का मार्ग है, ये विज्ञान का मार्ग है। यदि हमें गोंडवाना को महान बनाना है, यदि आदिवासियों को फिर दुनिया को नया मार्ग देना है, तो विज्ञान और प्रकृति के रास्ते से चलना होगा, उसके नियमों और सिद्धांतों को समझना होगा। मैं समझता हूँ ये काम करने का समय आ गया है, और उस काम को मैं आप लोगों के बीच करते रहूँगा। ऐसी बात कहते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जोहार, जय सेवा, मोदवेड़ जी गोंडवाना।